जय हिंद दोस्तों। तो देखिए हम लोग यहाँ पे अभी उपस्थित हैं खान कैंपस किसान कोल्ड स्टोरेज में, और यहाँ पे देखिए कितने स्टूडेंट हैं, सब रेलवे एलपी का तैयारी करने वाले। और आइए आप लोग को दिखाते हैं हम स्टूडेंट का दर्द क्या होता है, आइए दिखाते हैं यहाँ पे जो 2018 में आइए हम इसकी सुनते हैं कहानी, क्या कहानी आप लोग सुनिए, देखिए किस प्रकार दर्द है स्टूडेंट लोगों का। लेकिन कोई भी इसको सुनने समझने के तैयार नहीं है, तो चलिए इन्हीं की बात हम सुनते हैं। 2018 से तैयारी कर रहे हैं, तो हम उस समय साइकिल पर छट गए थे, तो हमको लगा कि चलो अब कोई दिक्कत नहीं, छट गए तो अब दोबारा ट्राई करेंगे। तो उसके बाद सोचे वे उतना देर से वेट कर रहे हैं, अचानक वैकेंसी आया तो सोचे कि अब इस बार तो कम से कम हो जाएगा। उतना मेहनत करते कि लास्ट अभी देख रहे थे इतना कम वैकेंसी, इतना वैकेंसी में वही हालत हो जाएगा, कितना भी तैयारी करें फिर भी चांस वही रहेगा कि नहीं हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। सोचे कि अच्छा खासा वैकेंसी आएगा, तीस बार टेस्ट भी करी, क्लियर कर लेना। मेरा एलपी का ड्राइवर में छठे साइकिल में छठे थे, एनटीपीसी स्टेशन मास्टर का उसका भी छठे। सोचे चलो अभी वैकेंसी आएगा तो उसमें अच्छा से तैयारी करेंगे, लेकिन उसमें भी नहीं हो पाए। सोचे इसमें तो कम से कम लेना। देखिए आप मायूस मत होइए, अपनी बातों को रखिए। देखिए इस प्रकार के मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं जो कि एग्जाम से नहीं डरते हैं, सरकार की नीतियों से डरते हैं। इन पिछली बार 2018 में एलपी के साइको में छोड़े थे, लेकिन इस बार इनका लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, पूरा कंफर्म थे। लेकिन जो अभी के जो वैकेंसी है उसको देखकर इनका देखिए किस प्रकार से हिम्मत टूट गया, अभी जो मायूस हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग मतलब कि अपने इस जो मुहिम है इसको जारी रखिए, और सरकार को आप लोगों की बात माननी पड़ेगी, वैकेंसी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, और देखिए होने वाला देख रहे हैं, इतना 5 साल 6 साल से हो गया, कितना तरफ लड़का भी हो गया। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों कल इकट्ठा करना, देखते हैं इनसे कल इकट्ठा करना चाहते हैं, कल इनकम टैक्स 2 नंबर पे इकट्ठा। देखिए तो कल हम लोग अपने प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे और स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले प्लेटफॉर्म कोचिंग से। ठीक है, वहाँ पे आएंगे और हम लोग जो भी है अंदर से ताकत कम नहीं होना चाहिए, अगर ताकत कम होगा तो सरकार कभी भी नहीं सुनेगी। कल संडे, इसलिए कल संडे है, हम लोग यहाँ पे आएंगे फिर एक साथ होके और आगे हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, प्रोटेस्ट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बिना वैकेंसी अगर नहीं होता है आगे तो हम लोग का कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए कल टाइम 1 बजे हम लोग सब लोग कैंपस आएंगे और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप लोग दस बजे हम लोग सब आदमी आएंगे यहाँ पे। ठीक है, और एकजुट होके फिर अपने काम को आगे जारी रखेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल का, हाँ बोलिए आप अपनी बात। हम भी सरकार से बार बार यह कहना चाहेंगे कि मतलब सीट बढ़ा दे, ताकि विद्यार्थी ये सब करने का नौबत ही ना आए और सभी लोग अपने अपने जाके आराम से पढ़े। विद्यार्थी हैं, पढ़ाई से हम लोग भी पढ़ाई से मतलब रखते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग का शौक है कि रोड पे उतर जाए। हम लोग अगर रोड पे भी जाएंगे तो शांतिपूर्ण तरीका से करेंगे, किसी भी तरह का हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए अभी भी हम लोग बार बार सरकार से बोल रहे हैं कि सीट बढ़ा दे, ताकि हम लोग यहीं से लौट जाए और अपने अपने पढ़ाई में लग जाए। दिल्ली जंतर मंतर पे भी सेना अग्निवीर वाले पुराने जो स्टूडेंट है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार किसी भी नहीं सुन रहा है, कोई किसी का भी बात नहीं सुन रहा है, सड़क आंदोलन से भरा हुआ है। तो देखिए सरकार को इन लोगों की बातें मान लेनी चाहिए। ठीक है, और बाकी जो कुछ भी होगा आगे आप लोगों को इस पे कल अपडेट दिया जाएगा। और एक और बात देखिए, बिहार में कहा जाता है कि बेरोजगारों की शादी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए युवाओं को आप लोग देख सकते हैं, मतलब मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी एज जो है 25-28 हो चुकी है, इन सभी की शादियां जो है एक नौकरी के चलते रुकी हुई है। ठीक है, और इनमें से बहुत सारे हैं जिन लोगों की उम्मीद था। ठीक है, इस बार जो वैकेंसी है शादी जॉब हो जाएगा तो शादी भी हो जाएगा, शादी हो जाएगी, लेकिन देखिए सरकार की नीतियों के कारण जॉब ही नहीं, शादी भी रुकी हुई है। जमीन बेच के अपने माता पिता की करवाए, युवाओं की शादियां भी हो। चलिए, तो इसी बात के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं।